कि कपल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये कुत्तों के लिए बना हुआ है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए और ब्लॉग पे। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग जो है थोड़ा सा अलग या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जो है बनारस के बिनियाबाग में स्मार्ट पार्क एक बना हुआ है, वहाँ पे चलते हैं। आपको भी दिखाता हूँ वो पार्क जो है कैसा बना हुआ है, और हम भी देखते हैं क्या क्या उसमें चीज़ें लग चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आइए दिखाते हैं। तो गाइस, ये रास्ता जो है चल जाता है लोराबीर, और ये पियरी होते हुए कभी चौरा निकल जाता है, और ये वाला जो है सीधा आपको गोदोलिया चल जाएगा। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे राज नारायण स्मारक पार्क लिखा हुआ है, और जो कि यहाँ पे टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है 5 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे उनके भी टिकट लगेंगे। टिकट का रेट 10 रुपया है, और आप ये देख सकते हैं बाहर का व्यू कैसा है। और इस साइड जो है यहाँ पे पार्किंग मिलेगी, यहाँ में भूमिगत पार्किंग, यहाँ पे 2 व्हीलर और जो है 4 व्हीलर ही पार्क किए जाते हैं, साइकिल की पार्किंग नहीं होती है। चलिए टिकट लेते हैं, देखते हैं टिकट कितने में है। लीजिए 1। तो ये आप देख सकते हैं टिकट ये मिला हुआ है, यहाँ पे 10 रुपये रेट लिखा हुआ है। तो ये एंट्री करते हुए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए जो कि टिकट चेक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। तो गाइस, एंट्री करते ही तो आप देख सकते हैं मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और मैं एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ का जो है ये जो है बिनियाबाग में, अगर आप आए होंगे कभी तो यहाँ पे जो पार्क था तो बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई होती थी। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पार्क बन चुका है। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बन चुकी है और कैसा है और कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बच्चे का पूरा यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, झूला वगैरह है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो झूला वूला लगा हुआ है ये सारे पूरे बच्चे लोग का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और मैं इस तरफ भी चलता हूँ। ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और उसके बाद उसके सामने वाला ये आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर झूला है, और काफ़ी ज़्यादा प्लांट वगैरह लग चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राज नारायण सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, सारा डिटेल उसी बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं पूरा जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है, और यहाँ पे अंदर आने के बाद जो है एक अलग जो है फीलिंग आ रही है, जो काफ़ी अच्छा बहुत खूबसूरत बन चुका है। तो यहाँ पे भी कुछ पीछे हैं झूले वगैरह, और जो पार्किंग का एरिया है तो आप ये देख सकते हैं पार्किंग का एरिया ये है। अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जो है स्विमिंग पूल बनाया गया है, और ये जो पार्किंग है अंदर बेसमेंट के अंदर भी है, काफ़ी ज़्यादा गहरा बेसमेंट है, अंदर गाड़ी खड़ी होती है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा सा व्यू काफ़ी अच्छा आएगा। ऊपर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ बैठकें बने हुए हैं, बैठ सकते हैं। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग का सिस्टम दिया हुआ है, चारों तरफ से पानी भर दिया गया है, एक झील टाइप का बोल सकते हैं बन चुका है, और उसके बीच से जो है एक रास्ता भी बना दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यारा लग रहा है हमें। और बोटिंग तो फिलहाल अभी बंद है, शायद कोई दिख नहीं रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे देख सकते हैं सब बोटिंग सिस्टम है, बोटिंग चार्ज यहाँ पे 100 रुपये है अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो, पैडल वाली बोटिंग है। चलिए बोटिंग करते हैं फिर इधर। जभी तो भागेगा ना। चैलेंज है
ब्लॉगिंग के लिए है। मौसम बढ़िया था तब बोटिंग, अब कौन बोटिंग हम करेंगे। इर्शाद नहीं होगा पीछे मारेंगे, पीछे हाँ हाँ वो हैंडल है, लेफ्ट राइट। अच्छा ये हैंडल है, ये लेफ्ट राइट, इसको पीछे तो गाइस इसका जो बैलेंस जो है काफ़ी अजीब सा बैलेंस है, अब मुझे आगे चलना होगा। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ से ऐसे ऐसे पैडल आगे चलाएंगे तो आगे जाएगा, पीछे चलाएंगे तो पीछे जाएगा। तो गाइस दो लोग होते हैं तो बोटिंग में जो है मज़ा आता है, और मुझे जो अकेले चलाने में मैं थक गया हूँ, आप ये देख सकते हैं बहुत अजीब लग रहा है, और क्योंकि मेहनत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट जैसा भी है ठीक है। चलिए हम पार्क कर देते हैं, धूप ना होती तो थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं हम। तो चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, और जो है यहाँ का जो लुक वगैरह है, इधर का नेचर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये जो एरिया रास्ता बना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए चारों तरफ से पेड़ है, बीच में रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अंदर की तरफ भी एक प्रतिमाएं बनी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों से जो है सर्वप्रथम युद्ध किया था जिन्होंने, इनका प्रतिमा है महाराजा चेत सिंह नाम है, तो आप ये देख सकते हैं। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बतख देखने को मिलेगा, जो कि उधर यहाँ पर चैन लगा हुआ है, उधर जाना शायद मना है, प्लांट पेड़ वगैरह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर बतख वगैरह बैठी हुई हैं आप देख सकते हैं। और बोटिंग स्टार्ट भी हो गई है, शायद देख लोग आ गए हैं, अभी नया नया है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं चल रहा है फिलहाल, शाम और सुबह ज़्यादा भीड़ लगती है। चलिए इधर से चलते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं जो है क्या चीज़ें और भी हैं। तो हमें तो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो गाइस अगर आप भी बनारस से हैं तो ज़रूर एक बार आएँ और देखें, काफ़ी अच्छा बन चुका है। ये विश्वास ही नहीं होता कि ये वही बेनिया पार्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई रहती थी, मतलब गंदगी रहती थी हर जगह, लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट पार्क ये बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम जो है उधर से आ रहे हैं, उधर से आते आते इस तरीके से इस रास्ते से अब चल रहे हैं आगे। तो ये एरिया पूरा इधर पूरा मैदान है, और यहाँ पे कुछ खेलना कूदना हो, और उधर थोड़ा सा एक्सरसाइज का मशीनें लगी हुई हैं जो नॉर्मल होती हैं जो पार्क में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी ये जहाँ पे हैं अभी आप ये सब देख रहे हैं ना, इसी बेसमेंट, इसी के नीचे जो है पार्किंग बनी हुई है, और बेसमेंट का रास्ता ये है जर से जाने वाला ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही मशीनें हैं पार्क में, और ये चीज़ें जो निकला हुआ है बेसमेंट से वेंटिलेशन के लिए है निकलने का, ये चीज़ें जो है नीचे बेसमेंट है जहाँ पे पार्किंग है। आपने इधर का व्यू देखा, धूप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है आप देख सकते हैं, और चलिए अब उधर चलते हैं देखते हैं उधर क्या है। तो यहाँ पे जो है टॉयलेट भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े पार्क में तो एक ज़रूर प्रसाधन होना चाहिए, लेकिन वो है। और यहाँ पे कैंटीन भी आपको मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगातार कई सारी कैंटीनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
अभी तो 8, 9, 10 के आसपास में कैंटीन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इधर का कुछ ये भी देख सकते हैं, पेड़ के साथ लुक वगैरह कैसा लग रहा है। और वहाँ पे बच्चों के लिए भी ट्रेन है। और इधर ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल, पूरा है बैठने के लिए। और इस पार्क में पार्क बना नहीं, कपल आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने कई सारा देखा, उससे सूट नहीं किया मैंने। और यहाँ पे कैंटीन से जो कुछ खाना हो लेना है ले सकते हैं। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। इस बैरियर के ऊपर चलते हैं। इधर आप देखिए कैसा लग रहा है ये। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ इस पे सरफेस पे कुछ बिछने वाला है या बनेगा कि ऐसा ही रहेगा ये। और ये जो झील बना हुआ है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये मुझे कुछ लखनऊ के जो पार्क हैं उसका कुछ उसी का सेम कुछ लग रहा है, मिलता जुलता हुआ। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था ना कि कपल आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ पे जो है काम स्टार्ट है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ इस तरीके से बनी हुई बैठने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ वाटर शो वगैरह अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसी झील में, कि यहाँ पे बैठ के देखने में मज़ा आता। तो ये ही है पार्क में कुछ ऐसा इसी तरीके से। अभी यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं क्योंकि अभी नया बना, प्लांट बढ़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो है छोटे छोटे पेड़ लगाए जा चुके हैं, पेड़ जो है बढ़ने में टाइम लगता है। चलिए नीचे चलते हैं। अरे यार यहाँ पे तो देख रहे हैं, अच्छा अच्छा ये समझ में आया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कुत्तों के लिए बना हुआ है, खास करके यहाँ पे जितने कुत्ते हैं सब सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे कुत्ते लोग यहीं पे सो रहे हैं। ये जो नीचे का हिस्सा ये बेसमेंट है, यहाँ पे मनुष्य बहुत कम आते हैं, ये कुत्ते के लिए है। तो फिलहाल हमको भी बेटर होगा यहाँ से हम भी चलें, तो ठीक है। तो गाइस मजाक कर रहा था, कुत्ते के लिए नहीं है, कोई भी जा सकता क्योंकि वहाँ पे मौसम जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी है, इसलिए जो है कुत्ता वहाँ पे जाके डॉग्स वगैरह जो है लेटे हुए एनिमल जो है अपना। तो गाइस वहाँ पे जाके मौसम उधर का ठंडा है, वहाँ का सतह ठंडा है, इसलिए कुत्ते वहाँ पे जो है लेटे हुए हैं। तो आई होप वो पार्क आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। तो और देखते हैं क्या है उधर की तरफ, थोड़ा सा चलते हैं। मेरे ख्याल से ये पार्क मैंने पूरा देख लिया, ऐसा ही कुछ था इसी पार्क के अंदर। तो गाइस आपने देखा इस दुनिया बाग पार्क में क्या क्या था और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बन चुका है। तो आपने इस पार्क के अंदर देख लिया क्या क्या चीज़ें था। और मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।